The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet. आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन, एक ऐसा इनिशिएटिव जिससे आपको हेल्थ और हेल्थ केयर की बिल्कुल सटीक जानकारी हम देते हैं, रेफरेंस फ्रॉम US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी और पूरी दुनिया के जो कंसाइस मेडिकल नॉलेज है वो आपको हम समझाते हैं। आज हम आपको बात करेंगे कि दिल के लिए, आपके हार्ट के लिए क्या आप नट्स यानी आपके वॉलनट्स, आलमंड्स, आपके अखरोट, बादाम, काजू ये सब खा सकते हैं या नहीं, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है। और हाल ही में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में। आपने वीडियोस में कई बार देखा, कोई कह रहा है अच्छा है, कोई कह रहा है बहुत बुरा है, एक भी मत खाना, तो कोई क्या हिसाब किताब है। एक्चुअली में मेडिकल फील्ड का आपके लिए एडवाइस क्या है दोस्तों। टेक्निकली नट्स जो होते हैं, जैसे वॉलनट, आलमंड्स या बाकी सारे नट्स जो हैं, वो लोग मना करते हैं क्योंकि वो कहते हैं उसमें ऑयल्स ज़्यादा होता है, तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो हैं वो बढ़ा देंगे, सो ब्लॉकेजेस ज़्यादा कर देंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, आप अगर सही मात्रा में बैलेंस्ड डाइट के हिसाब से उन्हें खाते हैं तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम कर सकते हैं। जी हाँ, एज अ पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट दे आर गुड फॉर योर हार्ट। एंड नट्स के अंदर बिल्कुल फैट होता है, लेकिन वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिसके साथ में फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं बहुत सारे, एंड दे आर अ ग्रेट स्नैक फूड। दे आर मोर फिलिंग, उनके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है, उनके अंदर ऑब्वियसली फैट ज्यादा होता है, तो ज्यादा कैलोरीज, मतलब पेट भी भरता है। अगर आपका वजन कम है उसको आप थोड़ा ज्यादा खा सकते हैं, अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको उसे कम खाना है। दे आर इजी टू स्टोर, लंबे समय तक चलते हैं, साथ लेके घूम सकते हैं, साथ में ऑफिस ले जा सकते हैं, अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर। बिस्किट से और जो मैदे भरे बिस्किट से और बाकी सारी खराब रस से तो बहुत अच्छे हैं आपके नट्स, इंक्लूडिंग योर पीनट्स। ओके, टेक्निकली सो नट्स का जो ड्रॉबैक है सबसे बड़ा वो एक ही है कि भाई कम नट्स में बहुत सारी कैलोरीज हो जाती हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। तो इस वजह से उसका जो पोर्शन है, कितना खाते हैं एक बार में, उसे आपको कम करना पड़ेगा। सो पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा और यू हैव टू चूज नट्स कि भाई मैं कौन से नट्स खाऊं, किस में ज्यादा हेल्दी हार्ट हेल्दी तब होगा ये। सो हाउ डज इट एक्चुअली, क्या रिसर्च इसको बताता है कि वो हार्ट के लिए हेल्दी है। सो रिसर्च ने ये देखा है कि जो लोग हार्ट अटैक, जिनका जो रिस्क है, अगर वो ये हेल्दी नट्स खाते हैं तो क्या क्या होता है। नंबर एक, उनका जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, ये दोनों जो मेजर रोल प्ले करते हैं प्लाक या आर्टरीज या खून की नसें बंद होने में, वो दोनों के दोनों रिसर्च में प्रूवन है कि एक हेल्दी डाइट में लिमिटेड प्रोपोर्शंस में बैलेंस नट लेने से कम होते हैं। जी हाँ, LDL भी कम होता है, ट्राइग्लिसराइड भी कम होता है, तो जो कहते हैं ज्यादा होते हैं नहीं होते। दे कैन इंप्रूव योर हेल्थ, लिटरली आपकी आर्टरीज की लाइनिंग की हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, वो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं ओवरऑल बॉडी में, दे लोअर द लेवल ऑफ इन्फ्लामेशन एंड ब्लड क्लॉट्स बनने के रिस्क को भी ये कम करते हैं। सो ओवरऑल नट्स आपके हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और आपकी हार्ट डिजीज से बीमारी के रिस्क को कम करते हैं। अब क्यों कम करते हैं, वॉट मेक्स नट हार्ट हेल्दी। पहली चीज, उसमें प्रोटीन अच्छा खासा होता है, ठीक है, और उसके अंदर हार्ट हेल्दी सब्सटेंसेस क्या क्या है। नंबर वन आर अनसैचुरेटेड फैट्स। नाउ अनगुड फैट्स लाइक मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, दे हेल्प लोअरिंग बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, दैट इज ट्रू। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर देयर, इट इज वेरी वेल, दे आर फाउंड इन फिश, बट मेनी नट्स, बाकी कई सारे नट्स हैं जिनके अंदर दे आर रिच इन ओमेगा 3s, राइट, सो यू शुड ट्राई टू ईट मोर नट्स। देन थर्ड बिग थिंग इज फाइबर्स। नट्स के अंदर फाइबर्स हैं जो एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं और दे मेक यू फील फुल, तो आप दूसरी चीजें, फालतू चीजें कम खाते हैं, सो दे रिड्यूस योर एपेटाइट, दे हेल्प प्रिवेंटिंग टाइप 2 डायबिटीज। नट्स के अंदर विटामिन ई, ADEK आर द फैट सॉल्युबल विटामिंस, एंड विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिंस आर वेरी वेल फाउंड इन फैटी फूड है, और नट्स में वो बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। विटामिन ई आपके आर्टरीज के जो प्लाक्स हैं उनको भी कम करेंगे और उनको नैरो होने से बचाएंगे। सर, डॉक्टर सोन चंद्र ने आपको कोई सीजी दिखाया था, वो एडमिट हो रहा है, आता हूं। सो
कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक के रिस्क को भी आपके कम करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ नट्स के अंदर प्लांट स्टेरॉयल्स नाम की चीज पाई जाती है, जो कि एक एडेड प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप मान लीजिए जो ये भी प्लांट स्टेरॉयल्स भी देखे गए हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करते हैं, और साथ ही उसमें होता है एल आर्जिनिन। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एल आर्जिनिन विच एक्चुअली इम्प्रूव द ब्लड सप्लाई टू योर आर्टरीज। वो आपकी खून की नसों को डायलेट करते हैं, राइट, थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड, उसकी जो मेथोडोलॉजीज है उसका एक। सो एल आर्जिनिन पे हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। एंड इट इज बेनिफिशियल इन मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट, लाइक इरेक्शन प्रॉब्लम्स, प्रीमेच्योर इजैक्युलेशन। सो नट्स आर वेरी गुड, बट द पॉइंट इज उसे कम खाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कैलोरीज। सो कितना खा सकते हैं? अब याद रखिए, नट्स में कुछ परसेंटेज फैट होता है, एज मच एज लाइक 50-60-80, कुछ नट ऐसे भी हैं जो 80% तक फैट है। सो इवन इफ इट इज लाइक आप थोड़ा सा भी खा रहे हो, मुट्ठी भर भी खा रहे हो, तो अच्छी कैलोरीज हो जाती हैं। इसीलिए एक सिंपल भाषा में बोलते हैं, एक मुट्ठी भर के, एक मुट्ठी में आपके जितने नट्स आते हैं, ऐसा नहीं खुली में, बंद मुट्ठी में जितने नट्स आते हैं आप उतने नट्स खा सकते हो, डिफरेंट हो तो और अच्छा। सो कैलोरीज बहुत ज़रूरी हैं। एक चाय के साथ आप मुट्ठी भर नट्स खा सकते हैं, उतने ही, हैंड्स फुल होके, ऐसा नहीं भर के नहीं, इतने जितने गिरे ना वो नट्स आप खा सकते हैं। सो आइडियली नट्स में आप या तो चम्मच, दो चम्मच नट्स खा लो, ऐसे कर सकते हैं, या आप ये कहते हैं कि आप एक सर्विंग, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रेकमेंड करती है आप एक हफ्ते में चार सर्विंग नट्स की, अनसॉल्टेड, मगर यस, नट्स में ऐसा नहीं कि उसमें ऊपर से नमक डाला हुआ हो, उसको तल के ऊपर से सॉल्टेड नट्स के जो पैकेट्स आते हैं वो नहीं लेने हैं, ठीक है, या नट्स के ऊपर चॉकलेट लगाई हुई हो, स्वीटेंड हो या सॉल्टेड, वो नहीं लेने, सिंपल नट्स लेने हैं, नॉट सॉल्टेड, नॉट दैट काइंड ऑफ नट्स। सो एक स्मॉल सर्विंग आप ले सकते हैं, जिस इज अ स्मॉल हैंडफुल, जिसमें आप 1.5 ounce बोला जाता है, जो या तो 2 चम्मच सिंपल नट्स आप ले सकते हो। तो बेसिक चीज़ है जिसमें आप बोल सकते हो चार या आठ नट्स आप खा सकते हैं, जिसमें मे बी 4 बादाम हो, एक पीस बड़ा सा अखरोट हो जिसके 4 छोटे हिस्से होते हैं, राइट, 2 बड़े, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो इतने नट्स आपको खाने हैं। अब कौन कौन से नट्स मैटर करता है, क्या ये चूज करे कि वो चूज करे, वैसे ज़्यादा मैटर नहीं करता, ज़्यादातर नट्स सारे ही इक्वली हेल्दी हैं। वॉलनट्स के अंदर ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो वॉलनट्स आर एक्चुअली गुड। आलमंड्स, हेजलनट्स, पीकन्स, वो सारे भी हार्ट हेल्दी है टेक्निकली ये सब, बट पीनट्स जो है टेक्निकली, वैसे नट है लेकिन ये दाल में आता है, उसमें भी फैट है, तो उसको भी टेक्निकली आप कह सकते हो, इट्स लाइक अ बीन बट इट इज ऑल्सो रिलेटिवली हार्ट हेल्दी, उसको भी आप ले सकते हैं। सो पीनट्स को भी आपको उतना ही लेना है बिकॉज इट्स ऑल्सो हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ फैट्स, ठीक है। सो कम क्वांटिटी में आपको लेना है। इतना ध्यान में आपको रखना है कि ये एक बैलेंस डाइट का पार्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ दिया, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, अच्छी क्वांटिटी में पानी, अच्छी क्वांटिटी में फाइबर, सैलड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो भी ज़रूरी है। सो नट्स के बारे में उनकी अप्रोक्सीमेट कैलोरीज का जो डेटा है वो मैं आपको दे दूंगा कि ये इतनी इतनी कैलोरीज हैं उसके अंदर। और नट ऑयल्स के बारे में बात करें तो दे आर ऑल्सो गुड बट दे लैक द फाइबर। होल नट इज ऑलवेज बेटर देन द नट ऑयल, जैसे कि एक फ्रूट इज बेटर देन द जूस, राइट, बिकॉज इट हैज फाइबर, राइट। एंड नट ऑयल्स जो हो सकते हैं उनको आप एज अ सैलड ड्रेसिंग या कुकिंग में यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट उसके जो टेम्परेचर, उसकी कितनी टेम्परेचर वो झेल सकता है उस पर थोड़ा रिसर्च कर लेना। नॉट एवरी नट ऑयल, बिकॉज दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डिफरेंट हीट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड अगर ऑयल्स के बारे में आपको जानना है कौन सा ऑयल बेटर है कुकिंग के लिए, सो यू कैन गो एंड वॉच माई ऑयल सीरीज, इट्स ऑल्सो ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच। जस्ट सर्च वॉट एवर टॉपिक यू वॉन्ट बाई डॉक्टर एजुकेशन ऑन यूट्यूब, यू गेट द टॉपिक। थैंक यू सो मच। दिस इज अबाउट नट्स। आई होप इस वीडियो के बाद आपको लॉजिक समझ में आ गया, कितना नट्स खाना है, कौन से नट्स खाने हैं, एंड इट इज वेरी गुड स्नैक टू गो विथ योर टी, कॉफी और वट एवर यू लाइक टू हैव एज अ स्नैक, राइट, इवन विथ फ्रूट्स और दही, दे आर वेरी गुड, राइट। सो टेक केयर, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीबॉडी। Thank you so much. Stay connected. Stay healthy.